तो ये फॉर्म जो है आपके सामने फॉर्म बना रहा हूँ मैं, देखिए आप लोगों ने ही बनाया है और मैं भी इसको बना रहा हूँ। और यहाँ पे हम यहाँ से मैं साइज बढ़ाता हूँ, यहाँ इंसर्ट में होता है लाइनिंग, वो दे सकते हैं यहाँ से। स्टेशन में होता है सैप्स, ले लीजिए यहाँ से लाइनिंग। इस लाइनिंग को बाद में हम करेंगे, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद मैटर यहाँ पे है, क्रिएट। हमें लाइनिंग से नहीं डाला क्योंकि अभी हम कॉलम छोटा बड़ा करेंगे ना, इसलिए योर अकाउंट इट्स फ्री एंड सर रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं आई है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और हम इसमें मर्ज नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा हमने क्या करना नहीं करना है, मर्ज नहीं करना है। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और इसको भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं। क्यों नहीं मर्ज क्यों नहीं करना है हम आपको बताएंगे। हम यहाँ से इसके यहाँ से राउंड बॉर्डर लेते हैं और यहाँ पे भी राउंड बॉर्डर और यहाँ पे भी राउंड बॉर्डर लेते हैं। इसकी बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ से वाइट करते हैं, इसकी बैकग्राउंड कलर को भी वाइट करते हैं और इसको भी हम बैकग्राउंड कलर वाइट करते हैं ताकि बीच में जो लाइनिंग दिख रहा है वो हट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा बड़ा किया ईमेल के लिए, यहाँ से किया और यहाँ से कलर कर दिया। ये हमारा ईमेल का हो गया और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। उसके बाद ईमेल यहाँ ईमेल पासवर्ड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कम करता हूँ ताकि दोनों ये सेम साइज लगे। कंफर्म पासवर्ड, तो कंफर्म पासवर्ड के लिए हम यहाँ इसको बड़ा करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से बॉर्डर देते हैं और यहाँ से कलर करते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि दोनों सेम साइज दिखे। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है आई हैव एक्सेप्ट रिजेक्ट, तो उसके लिए डेवलपर टैब में जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा चेक बॉक्स, ये रहा चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स को आप यहाँ डिजाइन कर सकते हैं और जहाँ टेक्स्ट बॉक्स वन चेक बॉक्स वन लिखा है उसी के जगह पे पूरा अपना दे सकते हैं जो देना चाहते हैं। सर हम बोलिए जिसमें वो एक्टिव कंट्रोल्स वाला चेकबॉक्स क्यों नहीं आपने चूज किया? कोडिंग करनी पड़ती है, इसको बिना कोडिंग के भी चल सकता है। अच्छा ओके। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें तो हमने इसको लिख दिया है तो मैं एडिट टेक्स्ट पे आता हूँ, इसको टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट को आप हटा दीजिए क्योंकि तो इसमें क्या है ना कि ये हाइपरलिंक लगा हुआ है, तो आपको भी हाइपरलिंक अगर लगाना पड़ा मान लीजिए पॉलिसी वगैरह देखने के लिए, उसको लगाने के लिए आपको यहाँ
यहाँ पे मर्ज किया जा सकता है। अब क्यों मैच हमने मर्ज किया है हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया तो ये देखिए आई एक्सेप्ट से आ गया ना, मैं चाहता हूँ कि एक्सेप्ट के बाद से आए, यहाँ पे इंडेन होता है, ठीक है ना। इंडेन का यूज करके आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपका कहाँ से शुरू होगा। अब यहाँ पे देखिए टर्म्स ऑफ यूज जो है वो पे हाइपर लिंक लगा है, तो आप भी इस पे हाइपर लिंक लगा सकते हैं यहाँ करके, या फिर इसकी इसको कॉपी करना चाहते हैं, इसको कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है बॉर्डर में। इसका ग्रीन कलर करना है, हमने ग्रीन सेलेक्ट किया एंड ओके कर इस तरह से। तो अब यहाँ पे आता है रजिस्टर, तो रजिस्टर नाउ के लिए वापस इंसर्ट पे हम जाते हैं। सर हाइपरलिंक कैसे होगा? कंट्रोल केस होता है, बताएंगे आगे। इस पे हाइपरलिंक सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में कंट्रोल के हाइपरलिंक जब होगा तो पूरा सेल में होगा, एक पर्टिकुलर सीट पे नहीं होता है सर। सेल वही दिखा दीजिए एक बार सेल। हाँ सेल में यहाँ इंसर्ट पे आना होगा और ये देखिए लिंक दिखा, और लिंक में यहाँ पे डाल दीजिए www.google.com। हो गया सर, अब इसमें हो गया पूरा। तब इसकी कलर जो है अपने हिसाब से नॉर्मल। पर अपन सिर्फ टेक्स्ट को नहीं कर सकते क्या लिंक? नहीं इसमें नहीं, वर्ड में होता है। ओके ब्लैक कर दिया और यहाँ पे जो है आप इसके बाद जो है टर्म ऑफ यूज को सेलेक्ट करके और इसकी कलर को आप ग्रीन कर दीजिए, हाइपर लिंक भी रहेगा और जो जैसा दिखता दिखना चाहिए अब उसका दिख भी रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे रजिस्टर नाउ का बटन चाहिए, तो वापस हम जाएंगे इंसर्ट में और इंस्टॉलेशन में सैप्स में और ए वाला सैप्स को सिलेक्ट करके यहाँ ड्रैग कर देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर जो है इस तरह का लगा देते हैं और रजिस्टर। तो इसके लिए डेवलपर टैब में जो वो बटन है वो नहीं यूज करेंगे अपन? नहीं उसमें जो बटन होता है वो फॉर्मेटेड नहीं होता है। ओके फॉर्मेटेड चाहिए ना इसलिए। और फिर इसकी कलर को हम बना देते हैं। इसमें जो सैप फॉर्मेट में आते हैं इसके अंदर जो ये देखिए रजिस्टर नाउ थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसकी कलर मैंने वाइट कर दी और नीचे आउटलाइन कलर को भी मैंने वाइट कर दिया और इसको बोल्ड भी साथ रजिस्टर नाउ दिख रहा है। ठीक अभी हमारा हो गया, अब हम इसको नीचे से जो है एक लाइन और ऐड करेंगे और इसको एक लाइन नहीं दो लाइन ऐड करना है, वहाँ दो लाइन और ऐड करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहाँ भी जो हमारा है इसको मर्ज को पहले मैं अनमर्ज कर देता हूँ, इसको छोटा करेंगे और इस पूरे को ऊपर भी एक रो ऐड करना हो। हाँ इसको पकड़ के इस लाइन को पकड़ के और नीचे रजिस्टर से हल्का नीचे आऊँगा और इसकी जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो लाइट ग्रे है, लाइट ग्रे कर देता हूँ। उसके बाद इसको पकड़ के मैं यहाँ मर्ज कर, ठीक है। इसकी कलर जो है एक लाइन डिलीट मार देता। अब इसमें जो लाइनिंग की बात हुई ना, अब इसमें लाइनिंग की जा सकती है, तो लाइनिंग के लिए आप आराम से इसमें से यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा और अच्छा कर लाइनिंग हम लास्ट में यूज करेंगे।
सही है, इसको हमने यहाँ तक लिया, नीचे तक लिया, जैसे कि आप यहाँ नीचे दे दिख रहे हैं, नीचे तक लिया हमने। अब हमने इसको सेलेक्ट किया यहाँ तक, और इसकी जो कलर है कि हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। ले लिया और हमारा यहाँ से कलर ले लिया, और फिर वापस हम इस कलर को यहाँ लेते। ओके, अब इसको डिलीट मारते हैं और ये पूरे सेल जो है हमारा उसको राइट क्लिक करके हाइड कर देते हैं, और नीचे भी जितना हमारा सेल है उसको राइट कलर के सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको हम हाइड। अब आपका विजुअल सिर्फ कितना है आपके फॉर्म के हिसाब से। लेकिन अभी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ हमारा फर्स्ट नेम, यहाँ हमारा लास्ट नेम, ईमेल, यहाँ पे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे आपको जो है ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये डालना है हेडिंग। तो अब प्रॉब्लम है कि मैं अगर यहाँ पे नेम डाल दिया, राइट, एक तो ये लाइट कलर में आना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, एक तो ये लाइट कलर में आना चाहिए, मैं इसको लाइट कलर में चाहिए। मान लीजिए इसको आपने लाइट कलर कर दिया हल्का, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अब मैं यहाँ पे पूजा लिखा वो भी लाइट कलर में, बट पूजा हमारा जो है वो बोल्ड कलर में आना चाहिए और ये बोल्ड भी होना चाहिए, कैसे हो। और दूसरी चीज़ है कि मैं पूजा दिख रहा है, मैं डिलीट करूं तो वापस यहाँ पे नेम आना चाहिए लाइट कलर में, ये चीज़ें होगी। लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं करूँगा यहाँ, मैं यहाँ लिखूँगा नेम, नेम किया और इसको मैं सेंट्रल और इसको सेंट्रल कर देता हूँ, और इसकी जो कलर मैं हल्का सा लाइट रखता हूँ। और यहाँ देखिए, अब बोलेगा सर यहाँ आ रहा है तो यहाँ दिखना चाहिए ना क्या, तो इसको हम करेंगे इन नेम यहां से, और अपने लोकेशन पे उसको पहुंचा दूंगा। अब यहां देखिए पूजा दिख रहा है, पूजा जैसे डिलीट किया नेम दिखेगा, पूजा लिखा पूजा दिखेगा, जैसे डिलीट करूंगा नेम दिखेगा। और सेम यहां भी हम करते हैं, यहां हम लिखते हैं नेम में, यहां पे फर्स्ट नेम, यहां सॉरी यहां फर्स्ट नेम है और यहाँ पे लास्ट नेम, इसको भी हम यहाँ मिडल सेंट्रल, सॉरी मिडल सेंट्रल करने के बाद इंडियन कीजिए, और इसकी कलर मेरा। अरे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है बॉर्डर की, दिख रहा है सर, उसके लिए आपको एक नया रो ऐड करना होगा, और फिर यहां से फॉर्मेट आपको ये डाल देता हूं यहां, हो गया। इस रो को बहुत ही छोटा कर देना है, और फिर इसकी इसका जो है ना सिर्फ मुझे स्टार्टिंग बॉर्डर चाहिए, जी हाँ, ये राइट क्लिक फॉर्मेट सेल बॉर्डर, अब ऊपर का भी चाहिए नीचे के भी चाहिए, है ना, ओके सर, ये सबका ही सेम करना है। इसका भी सेम एक रो इंसर्ट करना होगा, नहीं इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, माफ़ कीजिए, इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इंसर्ट किया गलत किया, इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और नहीं, बॉर्डर तो है ही,
हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। सर उस सेल को सिलेक्ट करके अगर राइट बॉर्डर करते तो आ जाएगा सर मेरे ख्याल से। किसको? नहीं राइट बॉर्डर तो है नहीं, समझे आप की जो प्रॉब्लम क्या हो रही है। नहीं सर आप वापस करिए जैसे था पहले। एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं बात सही है लेकिन आप मेथड को नहीं समझ रहे हैं। देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ नाम लिखा हुआ है आपका, है ना लिखा हुआ, यहाँ पे मान लीजिए अमाउंट लिखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि इसमें आपने लिख दिया पूजा, लिख दिया ना, या पूजा सिंह लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया, इसको काट रहा है ना सर। तो अगर मैंने यहाँ भी बॉर्डर दे दिया और यहाँ भी बॉर्डर दे दिया, दिख रहा है सर, तो ये बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे नहीं? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये टेक्स्ट इसको ओवरराइड कर रहा है, इसे कॉलम बड़ा कीजिए तो दिख जाएगा, या भी इसको डिलीट कीजिए तो दिख जाएगा। नहीं सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर। हाँ तो मैं वही सर, उसके बगल में एक छोटा सा रो कॉलम इंसर्ट कर देंगे तो हो जाएगा। ये राइट वाला है ना सर, इसको सिलेक्ट करते हैं सर एक बार। हाँ इस पे ऊपर जाइए, वो जो टेबल वाला एरिया है। हाँ पर टेबल देखिए, नहीं नहीं एक मिनट, ऊपर जो ये फॉन्ट वाला है लिखा है ना सर, वो टेबल जहाँ पर है। हाँ। इस पे अगर हम सिर्फ राइट बॉर्डर करें नीचे, राइट बॉर्डर तो है ही इसका, ये जो बॉर्डर इसका है ही ना, राइट बॉर्डर चलिए आपने कर दिया, नहीं दिखेगा ना सर। प्रॉब्लम वही हो रहा है जो मैं ये जो बताया ना, वही प्रॉब्लम हो रहा है सर। उसके बगल में अगर एक छोटा सा पतला कॉलम इंसर्ट करके और दोनों को एक साथ कर दो बॉर्डरिंग तो हो जाएगा। सेम चीज वही चीज मैं कर रहा था ना सर, मुझे दिमाग में आया कि मैं ऐसा कुछ लगा दूं लेकिन फिर सोचा नहीं 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 होगा, थ्योरी नहीं कर रही है। शुरुआत में तो मैंने ऐसे ही किया ना सर, इसको फॉर्मेट यहाँ पूरा चेंज करना पड़ेगा हमें, और फिर मुझे इसमें जो है नाम है ना, इसमें राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, और मुझे यहाँ का बॉर्डर देना होगा इस साइड और ऊपर का, माफ कीजिएगा इस साइड एंड ऊपर एंड नीचे, ठीक है। अब आ गया, अब इस कॉलम को इतना छोटा कर देना है जो पता ना चले, आया समझ में सर? सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ समझा सर। सेकंड वाले में कैसे करेंगे सर? यहाँ पे यहाँ भी एक रो इंसर्ट करेंगे, उस रो को करेंगे एकदम छोटा, और फिर यहाँ राइट क्लिक, छोटा नहीं करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और यहाँ हम क्या करेंगे, इसको देंगे ऊपर वाले के देंगे और नीचे वाले के देंगे, हो गया। एकदम छोटा कर देना है, छोटा करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पे क्लिक कर देंगे ना, मैं समझ रहे हैं, इसलिए इतना छोटा क्लिक कर दीजिए कि सामने वाला बंदा इस पे क्लिक ही ना कर पाए। सर इसको बराबर करने के लिए जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला बॉक्स है सर, हाँ ये वाला, हाँ इसके राइट में आइए सर। हाँ इसको मान लीजिए लेफ्ट बॉर्डर हटा देते हैं। हाँ तो यहाँ, हाँ इसको करना है, लेफ्ट हटाना पड़ेगा ना आपको, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर राइट क्लिक करना पड़ेगा फॉर्मेट सेल, इसकी लेफ्ट बॉर्डर को हटाना होगा, ऐसे भी वो हट जाएगा क्योंकि इसमें टाइप होगी ना सर, तो अपने आप हट जाएगा। ओके अब यहाँ पे जो हम टाइप करेंगे ईमेल आईडी जो है कलर कर देंगे ग्रे, और मिडल, और फिर यहां से इंडेन करेंगे, ठीक है, और यहां भी सेम, और यहां पे पासवर्ड इसकी कलर कर देंगे ग्रे, बीच में करेंगे, ऊपर करेंगे, और फिर इसको यहां से इंडेन करेंगे, राइट क्लिक या फॉर्मेट सेल पे डायरेक्ट चल जाइए ना, यहाँ से भी जा सकते, राइट क्लिक अगर नहीं हो पा रहा तो ऊपर नीचे साइड का,
सेम यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद ग्रे कलर दे देते हैं सेंट्रल मिडल, और फिर इसको भी जो है हम यहाँ से इंडेंट देते हैं, ठीक है। और इसका भी जो है राइट क्लिक करके यहाँ से, या फिर इस पे क्लिक कीजिए, बॉर्डर पे आइए और यहाँ से, ठीक है, फॉर्म बन गया परफेक्टली। थोड़ा सा छोटा करके जैसे मुझे इसको इसमें एक मिनट में इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, थोड़ा से इसलिए जो इसकी इंडेंट सेटिंग होती है ना हमें लास्ट में करनी चाहिए। जैसे मैं इसको हिलाऊंगा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए प्रॉब्लम दिख रहा है, अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैं दिया पूजा, एक बार सेंट्रल कर देता हूँ वहाँ यहाँ पे से, बोल्ड कर देता हूँ, सेम ईमेल आईडी भी होगा, इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी और प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे पासवर्ड डालना चाहता हूँ, जैसे पासवर्ड 123 डाला तो ये पासवर्ड दिख रहा है ना सर, हेलो, तो क्या करें जब पासवर्ड ना दिखे? तो कुछ नहीं करना, यहाँ इसमें फॉर्मेट में आना है, जनरल पे 2 स्टार डाल, तो दिखेगा इस तरह से, जैसे पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाला दिखेगा इस तरह से। सर ये फिर से बताएंगे एक बार, एक मिनट दीजिए, ये साइड में डबल डबल, अच्छा हालांकि ये भी अच्छा दिख रहा है, ये जो 2 बॉर्डर हो गया ना सर, ये हमें हटाना होगा, क्या किया मुझे क्या करना है कि पासवर्ड को अलग करना है, तो हमने यहाँ पे बस क्या किया कस्टम फॉर्मेटिंग में 2 बार स्टार कर दिया। अब इसे क्या होगा कि मैं पासवर्ड से ABC@123 कर दिया, एंटर प्रेस किया, ये दिख रहा है, हाँ इसमें नंबर पासवर्ड डालेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, एक काम और कर सकते हैं, @और स्टार कर देते हैं, अगेन नहीं @ नंबर को जो होता है 2 बार स्टार किया जाता है, 2 बार स्टार कर दिया हमने, अब यहाँ पे नंबर डालते हैं तो इस तरह का आ जाता है पासवर्ड, लेकिन जब कोई टेक्स्ट नंबर डलता है तो ये रहा। इसका पासवर्ड का तो मैंने कर दिया कि नंबर होगा, तो अगर 2 बार स्टार इसमें डाल दीजिए तो नंबर होने का, नंबर टाइप करते हैं तो इस तरह से दिख जाता है, बट करेक्टर का मुझे याद नहीं था कि करेक्टर का भी ऐसा होता है कि करेक्टर डालें, ओके हाँ हाँ हो जाएगा, इसके लिए अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2 बार स्टार देना है, सेमी कॉलन, अगेन 2 बार स्टार देना है,
अगेन सेमी कॉलन, फिर दो बार स्टार देना है, अगेन सेमी कॉलन, और फिर यहाँ पे दो बार स्टार देना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कुछ करेक्टर भी टाइप करके एंटर करता हूँ, नंबर टाइप करता हूँ, फिर तो क्या किया मैंने, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ, क्या किया है इसमें बताता हूँ। कस्टम फॉर्मेटिंग में गया हूँ, हालांकि कस्टम फॉर्मेटिंग हमारा अगला चैप्टर कस्टम फॉर्मेटिंग ही है, वहाँ मैं समझाऊंगा। दो बार स्टार डाला सेमी कॉलन, फिर दो बार स्टार डाला सेमी कॉलन, फिर दो बार स्टार डाला फिर सेमी कॉलन, एंड फिर बार दो बार स्टार डाला। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव नंबर के लिए, या निगेटिव नंबर के लिए हो गया, जीरो के लिए ये हो गया हमारा टेक्स्ट के। तो जब भी कोई डलता है तो चार चाहिए होता है, तो नंबर फॉर्मेटिंग में ये चार पैलेसेस होते हैं, सिंटैक्स होता है। तो आप अगर जैसे कि आप चाहते हो कि नंबर डले तो कुछ और दिखे, टेक्स्ट डले कुछ और डले, तो इस स्टार के जगह पे अपने हिसाब से जो डालना चाहे वो डाल सकते हैं। इसको हम कस्टम फॉर्मेटिंग में अच्छे से सिखाएंगे। फिलहाल इसको आप इतना समझिए कि आपको पासवर्ड को स्टार में या स्टार के जगह पर, मान लीजिए मुझे हैश में करना है, मान लीजिए तो यहां पे क्या होगा, एक स्टार हैश सेमी कॉलन, फिर एक स्टार हैश, स्टार एक तो देना पड़ेगा हैश, फिर सेमी कॉलन, एक स्टार एक हैश, फिर सेमी कॉलन, एक स्टार और एक हैश, स्टार हैश एंड ओके, वो हैश में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? ये था हमारा फॉर्म बनाने का तरीका कि आप किस किस तरह से अट्रैक्टिव फॉर्म बनाएंगे। आप से प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगली क्लास में हम इसके आगे की चीजों पर पढ़ेंगे। सर एक डाउट था, ये आपने जो पासवर्ड का किया है वो हम वो फॉन्ट स्टाइल से भी कर सकते हैं ना, सिंबल यूज करके कि नहीं? जरूर नहीं, नहीं कर सकते ना फॉर्म सिंबल से, क्योंकि आप फॉर्म में क्या होगा, आप ध्यान फॉन्ट फॉन्ट सर की तरह सोच नहीं रहे। अब जरूरी पासवर्ड मैंने 5 दिया तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा सिंबल जिससे स्टार जिससे ये 5 हो जाता है, 5 जो है स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके यहाँ पंगा आएगा, बंदा तो पासवर्ड कुछ भी डाल सकता है ना, एनीथिंग डाल सकता है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू। बाय सर।